पूर्णिया में 7, 8 और 9 दिसंबर को कृत्रिम हाथ पैर का वितरण किया जाएगा। इसकी घोषणा करते हुए चिकित्सक डॉक्टर डी राम ने कहा कि लायंस क्लब भवन में शिविर के जरिए कृत्रिम हाथ पैर का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनको भी आवश्यकता हो वो निश्चित रूप में आकर के कृत्रिम हाथ पैर लगाएं, यह बिल्कुल मुफ्त होगा। 7, 8, 9 दिसंबर 2018, जिसमें जिसका भी हाथ या पैर कटा हुआ हो उसको कृत्रिम अंग बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा। उसमें उसका एक पैसे का भी खर्चा नहीं है और आप किसी के चक्कर में भी मत फंसिएगा। ये कार्यक्रम लाइंस क्लब के बिल्डिंग में, जो माननीय एसपी साहब के कोठी के बगल वाली रोड में है, वहाँ लाइंस क्लब का बिल्डिंग अवस्थित है। आप 7 तारीख को आवें, 8 तारीख को आवें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा 9 ना आके 7 या 8 को आवें, ताकि आपको वो अंग बना करके उसी दिन या दूसरे दिन दिया जा सके। इस बात का ध्यान रहे कि इसमें पोलियो का इलाज नहीं है। अंग अगर कोई टेढ़ा बांका है तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जिसका हाथ या पैर कटा हुआ है, उसकी एक एक्सपर्ट कम टीम आ रही है दिल्ली से, जिसको भी सूटेबल होगा, जिसको लगने लायक होगा, उसको निश्चित रूप से लगा जाएगा। कितना ही नंबर आ जावे, चाहे 100 आवे कि 500 आवे कि 1,000 लोग आवे, सबों को निश्चित रूप से दिया जाएगा। ये टोटली प्राइवेट रूप से है, जिसमें हमारे माता पिता के ट्रस्ट के नाम से बना हुआ ट्रस्ट दे रही है, और इसमें हमारे माननीय लायंस क्लब के सदस्य और मारवाड़ी युवा मंच गुलाब बाग के सदस्य सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। और आप ट्रस्ट प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत सहयोग है, आप ये बात फैलावें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हो सके। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमें जानकारी मिली है कि बहुत लोगों को ट्राइसिकल की ज़रूरत है। इस कैंप में ये ट्राइसिकल नहीं दी जाएगी, लेकिन हम लोग उसको सर्वे करेंगे और ईश्वर की कृपा हुई तो अगले चंद महीने में भी वो ट्राई साइकिल का भी प्रोग्राम हम लोग करेंगे।